हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी अभी यहाँ पे सुबह इतना टाइम हो रहा है कि 6:23 हो रही है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा। तो बस मैं अभी आई हूँ नहा करके, और मैं नहा ली हूँ। तो बस मैं अपने थोड़ा सा बाल वगैरह काट के फिर मैं ऊपर जाऊंगी, छत पे फूल लगाऊंगी फोड़ के, तोड़ के फिर मैं पूजा करूंगी घर की। पर फिर मंदिर जाऊंगी क्योंकि मंदिर 6 बजे खुलता है। तो अब पुजारी आए होंगे, तो ये यहाँ मैं नहा धो के फ्री हो गई थी और अपने मेकअप सेकअप कर रही हूँ थोड़ा सा मैं। और अपने क्या ना मेकअप सेकअप क्या थोड़े से मैं क्रीम वगैरह ऐसे लगा लेते हैं, फिर तो सारे दिन फ्री हो जाते, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता। और सुबह भी टाइम नहीं है, दोपहर को भी टाइम नहीं है। पता नहीं टाइम कहाँ गया है आजकल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा हमारे पास। तो बस मैं यहाँ पे उसके बाद अपने मंदिर वगैरह को साफ़ कर आई हूँ, और जो सूखे हुए फूल थे वो भी मैं निकाल ली हूँ क्योंकि मैं ऊपर जाऊँगी छत पर फूल तोड़ने के लिए, तो गमलों में डाल दूँगी। तो ये सो रहे हैं दोनों बच्चे मेरे, और मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए छत पर। तो मैं यहाँ पे लॉक खोल लेती हूँ, और देखिए लॉक लगा के रखा हुआ है मैंने अंदर से। तो बस यहाँ पे मैं लॉक खोल के जा रही हूँ, और ये मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आपको। अभी कोई नहीं, जगह सब सोए हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊँ तो मैं पहुँच गई हूँ, और इधर देखिए रोज सारे फूल खिले हुए। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, तो तो इनको मैं डाल देती हूँ गमले के अंदर। तो मैं यहाँ पे तोड़ लेती हूँ अपने फूल, और ये सारे फूल हैं यहाँ पे। अपराजिता है जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद है, भोले बाबा को। तो मैं बस यहाँ पे वही तोड़ रही हूँ क्योंकि मंदिर जाऊँगी भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए। तो मैं तोड़ लेती हूँ, साथ में रोजेस भी लगे हुए हैं तो मैं वो भी तोड़ लूँगी। और फूलों को अगर खिले हुए हैं तोड़ लेना चाहिए, वरना वो सूख ही जाते हैं। और तो बस यहाँ पे मैंने तोड़ लिए हैं फूल जितने भी मुझे चाहिए, और फूल तो बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन मैं इतने फूलों को करूँगी क्या। जितना मैं अपने घर के मंदिर में चढ़ाऊँगी थोड़ा सा वहाँ चढ़ा जाऊँगी। बेल वगैरह सब तोड़ लिया है मैंने, तो चलिए मैं चढ़ाए आती हूँ अपने मंदिर में। जाऊँगी तो तोड़ लिए, और अब आ गई हूँ मैं नीचे। लीजिए अपने एंट्री कर गई अंदर, और जब तक ये सब सो की जगेंगे तब तक मैं अपने पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म कर लूँगी। और क्योंकि जो काम मेरे अपनी बता रही हूँ, मेरे घर पे जो काम है वो सुबह सुबह का ही है, बाकी ये चले जाते हैं, बेटा चला जाता है, तो मेरे घर पे कोई काम नहीं रहता। हम दो माँ बेटे रह जाते हैं सारे दिन में। और यहाँ जग चुका है छोटा वाला, जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं जगा, छोटा वाला जग जगा क्योंकि वो हमें परेशान करेगा, काम नहीं करने देगा, तो वो जग चुका है। और यहाँ मैं अपने भगवान को चढ़ा रही हूँ फूल जो मैं लाई हूँ ऊपर से, एक एक करके जो जिसको प्यारे हैं वही चढ़ाएंगे हम। तो बस मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, और देखिए फूल चढ़ा दिए हैं भगवान को मैंने। उसके बाद मैं लगा रही हूँ तिलक, और भगवान शिव को तो सबसे ज़्यादा चंदन पसंद है, और माता रानी को रोली। तो बस मैं वही लगा देती हूँ जिसको जो सी पसंद भगवान को। अगर जिसकी पसंद की चीज़ मिल जाती है तो आपको पता ही है कितना खुश हो जाते हैं। ऐसे अपन से ले लीजिएगा, अगर हमें कोई चीज़ अपनी पसंद की मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खुशी के हमारे कोई ठिकाने ही नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान का है, तो अगर भगवान को जो प्रिय हम वो उनको दे देते हैं तो बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस मेरे यहाँ पर अपनी जो भी होती है तिलक वगैरह कर दिया है भगवान का, और अब मैं जोत और धूप लगा दूंगी और आरती कर दूंगी भगवान की। तो चलिए मैं अपनी आरती कर देती हूँ। ओ, मेरी आरती भी हो गई है, मैंने आशीर्वाद भी ले लिया माता रानी का, भगवान शिव का। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं किचन में, और जो कि अपनी जा रही हूँ मंदिर जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए, तो मैं चली जाती हूँ।
और मंदिर से वापस आ गई थी मैं, तो अपने यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बेटे के टिफ़िन की तैयारी, और मेरे बेटे को जाना है। तो बस मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर चीज़ एंड ओनियन पराठे। और आपको पता है कि अगर पनीर का पराठा होता है तो उसमें बगैर प्याज के पराठा अच्छा नहीं लगता वो, तो मैंने एक चीज़ ऐड और कर दी उसमें, वो है चीज़, अमूल चीज़ जो रखा हुआ था मेरे पास, मैं सोची इसको यूज ही कर लेती हूँ क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा दिन का टाइम हो जाता है तो। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर से, और चॉपर से क्या होता है कि इससे ना बहुत ही ज़्यादा बारीक प्याज चॉप हो जाती है, इतनी हम हाथ से नहीं कट कर पाते हैं। तो बस मैंने चॉपर में डाल के कर लिया है, 2 से 3 प्याज थी बस वही मैंने कट किया है। और यहाँ मैंने जो अपना घर का बनाया हुआ पनीर है ये, और देखिए अभी भी 1 दिन हो गया कितना सॉफ्ट रखा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे मैंने घिस लिया है उसको, उसके घिसने के बाद ये थोड़ा सा लिया है चीज़, तो हम उसको भी उसमें घिस देंगे। और यकीन मानिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी पराठा बनता है, आप बना के देखिएगा प्लीज़ एक बार। तो बस मैंने यहाँ पे चीज़ को और प्याज को और पनीर को कर लिया है मिक्स, उसके बाद इसमें ग्रीन चिल्ली डालेंगे जितना हमें चाहिए, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आप जैसे खाते हो जा कम ज़्यादा वैसे डाल लीजिए, अपने अपने अलग अलग स्वाद होते हैं सबके, और कोई आमचूर खाना पसंद करता है, कोई नहीं खाना खाता, अगर किसी को अच्छा लगता है तो उसको शूट नहीं करता, जैसे मेरे मदर फादर हैं उनको ना खट्टी चीज़ें शूट नहीं करती हैं तो वो नहीं खाते कभी भी। तो बस ये मैंने यहाँ पे कर लिया है बना के, जो भी मुझे रखना था बना के रख ली हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी आटा। तो चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैंने 1 स्पून डालूंगी ऑयल, इससे क्या ना क्रिस्पी हो जाते हैं पराठे, डालो डालो मत डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। और एक हम डालते हैं, 1 स्पून डाल लेते हैं इसमें, तो पराठे बहुत क्रिस्पनेस हो जाती है, बहुत अच्छा यम्मी लगता है पराठा। तो बस यहाँ पे मैंने डाल के आटा लगा लियो, सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे इसको, और लीजिए मैंने सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है। तो चलिए बस हम रख देते हैं आटे को, जल्दी से बना लेते हैं पराठे। तो मैंने रख दिया है तवा, और ये जो भी बना के रखा था चीज़, पनीर, ओनियंस, स्टफिंग, वो हम पराठे में अंदर भर देंगे। तो हम एक पेड़ा लेंगे, उस पेड़े को जितना आप ले, और देखिए मैंने इसमें स्टफिंग भर दी जो बना के रखी हुई थी, मैंने इसमें से ग्रीन ऑनियन थी वो ग्रीन चिल्ली थी वो निकाला है इसमें से, क्योंकि बेटा मेरा स्कूल में खाएगा तो उसके अगर मिर्च लगेगी तो परेशान हो जाएगा, तो मैंने ग्रीन चिल्ली जो थी वो निकाल दी है उसमें से। तो हम पराठे को बेल लेंगे, और इसका क्या है ना थोड़ा सा पराठा मोटा ही बनता है, आप ज़्यादा पतला नहीं कर सकते इस वाले पराठे को, अगर ज़्यादा पतला रखेंगे तो स्टफिंग निकल के बाहर आ जाएगी पराठे से, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर स्टफिंग भरने का उसमें। तो मैंने नॉर्मली जो मतलब जितना मैंने आटा लिया था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से स्टफिंग भर गई है उसमें, क्योंकि हमने जो डो लिया था काफ़ी सॉफ्ट ही लगाया था, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा पराठा एक सीख चुका है। और यहाँ मैंने ले लिया टिफिन, तो पहले पराठे को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हल्का सा, उसके बाद गाइस मैं इसमें कोई एल्युमिनियम फॉइल वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल जो होती है खाने के अंदर जाती है ना, और हम गरम गरम उसमें खाना पैक करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बाकी मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, आप समझदार हो, तो मैं कभी नहीं उसको यूज़ करती हूँ, आपने जब भी मेरा टिफ़िन देखा होगा ऐसे ही यूज़ करती हूँ। हाँ आजकल बटर पेपर आने लगा है बट मैं उसको भी नहीं यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे ही खाने को डालती हूँ थोड़ा सा नॉर्मल कर, बिल्कुल नहीं ख़राब होता। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और ये हल्दी पाउडर मेरे घर का बना हुआ है, क्योंकि हल्दी साबित लेते हैं उसको पिसवा के, जो भी मसाले यूज़ करती हूँ घर में मैं
धनिया पाउडर, धनिया है उसको साबित लाती हूँ, उसको घर पे पीस लेती हूँ। मिर्ची है, लाल मिर्च कभी यूज़ करते कभी नहीं यूज़ करते, उसको भी घर पे यूज पीस लेती हूँ मैं। गरम मसाला उसको भी घर पे बना लेती हूँ। और ये हल्दी थी, आप मिक्सी से पीस सकते हो इजीली, बट ये मैंने घर पे नहीं पीसी है, ये मैं बाज़ार से पिसवाई थी इसलिए। तो यहाँ मैंने कैबेज की सब्ज़ी बना ली है, इसमें आलू नहीं डालूँगी बिल्कुल भी मैं, और ऐसे ही बनाई है मैंने, क्योंकि इनको ना आलू डाल के पसंद नहीं है, ऐसे ही इसको पसंद करते हैं। कभी कभार आलू डाल लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आलू छोड़ देते हैं, बट इनको पसंद नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बनाई हुई है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी मैंने तड़क दी है और बन रही है, तब तक मैं अपना किचन कर देती हूँ साफ। और जो अपना, अगर किचन में आप खड़े होकर अगर थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, एक आदमी के लिए बनाओ या दो के लिए बनाओ या एक मेंबर के दो मेंबर, जो भी बना बना लीजिए, किचन तो देखिए उतना ही गंदा होता है, मेहनत भी बराबर लगती है, बस फ़र्क पड़ता है कि एक मेंबर का लगाया है। कृष्णा की छुट्टी थी, स्कूल नहीं गया ये, इसने मुझे बताया नहीं था कि छुट्टी है। सुबह इसको जब मैंने इसको जगा दिया, टिफिन वगैरह रेडी किया, उसके बाद ये भी तैयार हो गया था, तब इसको याद आया था कि मम्मा आज छुट्टी है, और इसको नहीं मालूम था, भूल गया था मतलब कल बताना। तो फिर स्कूल जाना कैंसिल, जो परांठे रखे थे बस वो घर पर चल रहा है ब्रेकफास्ट, और इनके पापा जा चुके हैं, तो मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। टाइम दिखाऊं मैं अभी आपको, तो टाइम हो रहा है 9:45 हो रहा है, देखिएगा आप किचन देखिएगा पूरी गंदी पड़ी हुई है, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। बस मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए थे मैं वो लगा रही हूँ जो ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोची पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ, उसके बाद जो बर्तन धोऊंगी उसमें लगाऊंगी, तो बस मैं लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बर्तन लगा सकूँ जो भी होते हैं अपने, तो इस टाइम में लगा लेती हूँ। एक अपना अलग अलग टाइम होता है सबका, सबका अपना काम अलग भी होता है तो टाइम भी अलग होता ही है, जो जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लेता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन कर रही हूँ और बर्तन करूँगी, और देखिए क्योंकि मैं सोची थी जय को बाद में नहीं लाऊं, पहले भी मैं जो बर्तन पड़े हुए वही कर लेती हूं, तो बर्तन मैं कर चुकी हूं और लगा रख भी है। अब मैं अपना किचन का जो है वो साफ़ कर लेती हूं, क्योंकि देखिएगा पूरा सामान ऐसे गंदी, हम खाना पूना मैंने अभी जैसे कहा कि कुछ थोड़ा सा बनाओ तो वही गंदा हो जाता है यहीं पर, तो बस मैं वो साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे जय को नहला दी हूँ, कृष्णा सुबह नहा चुका था, तो बस नहलाने के बाद मैं कपड़े पहना देती हूँ और साथ में अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि